हाँ जी सुमन, तो ये क्वेश्चन आपसे इस बार के नेट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के कलर करके लाया हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी हो उसके। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज 15 ईयर्स व्हेन फाइव न्यू बॉयज हुज एवरेज एज वॉज 12 ईयर 6 मंथ वर एडमिटेड इन द क्लास द एवरेज एज वॉज रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ्स। हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास ओरिजिनली। तो शुरुआत में कितने स्टूडेंट्स है ये पूछा गया है। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो हिंदी में भी इसको पढ़ सकता है। वैसे कोई इंग्लिश नेक्स्ट लेवल की तो है नहीं जो समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी चलो सहूलियत के लिए हिंदी में भी लेकर आए। तो आपको बेसिकली बताया गया कि भाई 15 साल जो है वो एवरेज एज है, कितने स्टूडेंट्स की एवरेज है ये नहीं बताया आपको। और नेक्स्ट आपको बता दिया कि अगर इन 15 सालों के अंदर कुछ बच्चों को हम जोड़ देते हैं तो वो एज जो है वो 6 महीने से कम हो जाती है, यानी कि 14.5 साल रह जाती है। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दी। तो यहां पर जरूरी चीज ये है कि आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब इस वीडियो को देखने के दो तरीके आपके लिए हैं। एक तो ये कि वीडियो को पॉज कर दो और अपनी तरफ से इसके आंसर को निकालने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख दो, और फिर अनपॉज करके इसको आप देखो कि किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे और कैसे कम समय में पहुंचा जा सकता था। और दूसरा तरीका कि पूरा वीडियो ही आप वैसे ही देखते रहे कि किस तरीके से होगा, हाथ ही उठा देंगे, हमारे को कुछ आता ही नहीं, हमने बस सीखना ही सीखना है यहाँ पर किस तरीके से पहुंचेंगे। खैर यहां पर आप देखिए, शुरुआत में हमारे को बता दिया कि 15 साल जो है ना वो एवरेज है, कितने बच्चों के ये नहीं बताया, तो हमने उन बच्चों को एक्स मान लिया। अब 15 का एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इयर्स मेरे पास में आ जाएंगे। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ इयर्स आ जाएंगे। इसके डिवाइड में मैंने बच्चों को डिवाइडेशन में कर दिया क्योंकि कितने बच्चों का एवरेज था वो हमें पता नहीं था। उसके बाद में इसने बोला कि ये नई चीज हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, 5 बच्चे जोड़ रहे हैं हम इसके अंदर, 5 बच्चों का एवरेज जोड़ रहे हैं। तो 5 बच्चों का जो एवरेज है वो ये बता रहा है कि हर एक बच्चे का 12 साल 6 महीने है, तो एक बच्चे का 12.5 हो गया। 5 बच्चों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 12.5 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 62.5 आ जाएगा, कि 5 बच्चों की जो एवरेज एज थी। तो ऊपर भी हमने एक्स से मल्टीप्लाई करके ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे, तो 5 बच्चों की टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमने यहाँ पर प्लस कर दिए। और यहां पर एक्स था तो इसके अंदर 5 नए बच्चे जुड़े थे तो 5 कर दिया। नया एवरेज 15 से घटकर 6 महीने घटा दिया तो नया एवरेज हमारे पास में 14.5 का हो जाएगा। बस ये इतनी सी इक्वेशन आपको बनानी थी। इतनी सी इक्वेशन अगर आपकी बन गई तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसको सिंपल वे में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड में 1 लगा दिया, इसका यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, इसका यहां पर मल्टीप्लाई होगा। जल्दी से इसको कर लेते हैं। 14.5x ये तो हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 5 का 14 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में 14 5 70 आ जाएगा, और 0.5 का किया तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि ये 72.5 हमारे पास में आ जाएगा। और ये तो एज इट इज आ ही जाएगा हमारे पास में, 15x + 62.5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर दो 62.5 में से, ये अपने पास में 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 14.5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 15 में से 14.5 घटाएंगे तो 0.5x हमारे पास में आ जाएगा। और x इज इक्वल टू, आप करना चाहें तो 10 डिवाइडेड बाय 0.5 है, पॉइंट को उड़ाया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर हमारे पास में 20 आ जाएगा, यानी कि x की जगह पर 20 आना चाहिए। और x हमने शुरुआत में किसको माना था, वो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही माना था, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ जाएगा डायरेक्ट वे में। अब ये मैं आपको समझा रहा था तो इसलिए यहाँ पर इतना समय लग जाएगा, एग्जाम के अंदर तो आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, वो सब चीज आपको यहाँ पर मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे करके सब चीज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आप सभी को बता दूं कि हमने आपकी बेहतर तैयारी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है प्ले स्टोर पर, आप उसे डाउनलोड करके जरूर रखिए। और फुल फ्लेज बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 कॉमर्स का, तो उसे भी आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, वहां पर पेपर 1 का बैच भी है और पेपर 2 कॉमर्स का बैच भी है। काफी सारी फ्री क्विजेज भी वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेफ्ट साइड में इस तरीके से इन 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी हेडिंग देखने को मिलती है जहां पर स्टडी मटेरियल जो फ्री में उपलब्ध करवाया गया है वो भी देख सकते हो, फ्री टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए AP गौरव जी को और करे अपने UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।